इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक की है। बैठक में अस्पतालों में फायर सिस्टम, ऑक्सीजन और इलाज के पैकेज पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन का कंजम्पशन दोगुना है, इसलिए फायर ब्रिगेड के साथ डॉक्टरों की मीटिंग की गई है, जिसमें फायर सिस्टम को दुरुस्त रखने व ऑक्सीजन के रखरखाव और इस्तेमाल पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमने सभी निजी अस्पतालों को पत्र लिखकर कोविड के पैकेज को डिक्लेयर करने को भी कहा है, साथ ही उसे डिस्प्ले भी करने को कहा है। इसके अलावा IMA ने रेमडेसिविर को लेकर प्रोटोकॉल बनाया है। एक अनुरोध और है आप लोगों से, आज मैंने अभी दोपहर में सारे ऑक्सीजन डीलर्स की मीटिंग ली थी, रात का ऑक्सीजन चेक करिए प्लीज आप लोग, जो है रात में ऑक्सीजन कंट्रोल नहीं हो रही है। कुछ अस्पतालों ने किया है, 30% रिडक्शन हुआ है उनमें, पर कई अस्पताल नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो टीयर टू हॉस्पिटल्स हैं और टीयर थ्री हॉस्पिटल्स हैं, उनको बहुत ज़रूरत है इसकी कि वो रात का अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन को प्लीज चेक करो आप लोग। अभी जो SP फायर है हमारे, एक बार उन्होंने सभी अस्पतालों में निरीक्षण करवाया था और उनके द्वारा हमको बताया भी गया था कि सब एक बार कंबाइंड मीटिंग हो जाए ताकि सभी अस्पताल सचेत हो जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है तो ज़्यादा एक्टिव प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत हो रहा है हॉस्पिटल्स में इस समय, इसलिए आवश्यक है कि इनको सचेत करें कि और भी ध्यान से करें, जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, मेजर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनके अपडेटेड रहें पूरे, उसके लिए बैठक रखी गई थी आज। ये प्लस इसके साथ साथ एक पैकेज के लिए लेटर भेजा है हम लोगों ने कि हर अस्पताल डिक्लेयर करे कितने पैकेज में वो ट्रीटमेंट करना चाह रहा है और उसको रेट लिस्ट को वो डिस्प्ले भी करे, वो उसकी बात की किस प्रकार के पेशेंट्स को भर्ती करना है, किस प्रकार को नहीं करना है, वो भी बात हुई। प्लस ऑक्सीजन का जो यूजेज है उसको भी रेगुलेट करने के लिए बोला गया है इनको। उदाहरण तौर पे कई अस्पतालों में दिन में जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है उसका दोगुना रात में देखा, तो उनको टोका गया, तो ये पाया गया कि रात में जो स्टाफ रहता है ICU में या जो ऑक्सीजन बेड्स में स्टाफ नर्स रहती हैं उनके द्वारा ठीक ढंग से उसको मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसमें वेस्टेज भी हो रहा था और अनावश्यक रूप से लापरवाहियाँ भी हो रही थी, तो उन सब की भी काफ़ी डिस्कशन हुआ उसमें। मेदांता से डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव ने भी अपने अनुभव बताया किस तरह से कंट्रोल हो सकता है, डॉक्टर सुशील जैन ने CHL अपोलो के मेडिकल डायरेक्टर, उन्होंने भी बताया किस तरह से कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय चैलेंज है जिसको कि हम लोग को बहुत संभल के और सही उपयोग करना है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ में आज डिस्कशन हुआ है सभी डॉक्टर्स से, एक हुआ रेमडेसिविर के उपयोग को लेके भी हुआ कि रेमडेसिविर के उपयोग के लिए आज डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। IMA के डॉक्टर्स की टीम ने एक बनाया है प्रोटोकॉल पूरा कि किस प्रकार के पेशेंट्स को जरूरत है, किस प्रकार के पेशेंट्स को जरूरत नहीं है, उसके बारे में बताया कि हर कोई इसको रिकमेंड ना करे, किस पेशेंट को जरूरत है ये इसके प्रोटोकॉल है पूरा है। तो रेमडेसिविर के बारे में जिस डॉक्टर को जानकारी ना हो तो वो ना इसको करे, या पहले जानकारी ले लें कि रेमडेसिविर किस तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती है। पहले तो कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई स्टाफ गया है तो इरिटेटेड फील करते हो, पर ऐसा कोई शिकायत, स्पेसिफिक ऐसी शिकायत नहीं मिली है, पर इसको हम और SP फायर दोनों इस बात को बिल्कुल सचेत रूप से देख रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या किसी भी अस्पताल को ना आए। तो ये हमने भी SP साहब को बोला है फायर के, SP साहब ने भी अधीनस्थों को बोला है ये कि कोई भी अधिकारी अब जब इंस्पेक्शन करने जाएगा तो किसी भी अस्पताल में अपने को वहाँ के मरीजों के हित में ये सब चीज़ें करनी है, कहीं कोई हरेसमेंट नहीं हो, ये पहले से समझा दिया गया है।